आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई भी। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। डॉक्टर, उनको होश आ रहा है, मुझे मिलना है उनसे। I'm sorry, मैं मिलने नहीं दे सकता। What? मैं पत्नी हूँ उनकी। Actually, पुलिस ने रमन से किसी को भी मिलने के लिए मना किया है। रमन भल्ला जो है पुलिस कस्टडी में है, उनसे कोई नहीं मिल सकता, अंदर जाने की किसी को इजाजत नहीं। एक्सक्यूज मी, क्या प्रॉब्लम है? अरे आप तो वो एनजीओ वाली मैम ना। देखिए, रमन मेरे समधी और निशिता उनकी पत्नी, एटलीस्ट वो तो एक बार रमन से मिल सकती है, प्लीज। मैडम आप समझने की कोशिश कीजिए, हमें ऊपर से आदेश है, हम कुछ नहीं कर सकते। अरे क्या समझने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, कब से लगा रखा है, वो रिलेटिव है हमारे, हम लोग क्यों नहीं मिल सकते उसे? रुकिए वालदार सिंह, जाने दीजिए। निशिता जी आप इससे भल्ला से मिल सकती है। एक्चुअली अंदर सिर्फ एक पर्सन अलाउड है। हाँ इसमें आप जाओ। रमन आपको आराम की जरूरत है, जस्ट रिलैक्स। मैंने मिनिस्टर को बंदूक क्यों उतारी? मैंने मिनिस्टर पे ये क्या हो क्या रहा है? पता नहीं रमन, माय हेड इज स्पिनिंग राइट नाउ, मेरा सर भारी हो रहा है। मुझे आप आराम करो, आप कहीं नहीं जाओगे, लेटे रहो प्लीज। हुआ क्या था मुझे कुछ याद नहीं है। मुझे खुद को नहीं समझ में आ रहा कि हुआ क्या था। मेरे पास बंदूक कहाँ से आई? पता नहीं रमन, आपको कुछ याद है क्या पास बंदूक कहाँ से आई? क्या आप घर से लेकर निकले थे? जब घर से निकला तो मेरे पास गन तो थी नहीं, और मेरी तो गन लाइसेंस है, मैं घर पे छोड़ के मैं। प्लीज एक सेकंड, शांत दिमाग से आप याद करने की कोशिश करो, क्या हुआ था? ऑफिस में कुछ हुआ था क्या? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा मुझे। रिलैक्स रिलैक्स रमन, रमन प्लीज रिलैक्स। मेरा सर भारी हो रहा है, जस्ट यू प्लीज वेयर दिस। मेरा सर दुख रहा है, मैं फाइनेंस कॉल द डॉक्टर प्लीज। मैं बुला रही हूं, प्लीज अभी पहन लो। कॉल द डॉक्टर प्लीज। मिस्टर रमन प्लीज मुझे बताइए आप कैसा महसूस कर रहे हैं? डॉक्टर साहब मुझे घबराहट सी हो रही है, मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है, मैं हेड स्पिनिंग है। पर ये शुरू कब हुआ? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। ऑफिस से निकलने के बाद आपके साथ क्या क्या हुआ? ऐसा नहीं, मैं घर से निकला और ऑफिस पहुंचा, उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं है, मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा, आई डोंट नो। मिस्टर भल्ला याद करने की कोशिश कीजिए, मिनिस्टर साहब आपके ऑफिस आए थे और आपकी सेक्रेटरी ने बताया कि आपने कॉफी भी मंगाई। कॉफी? मैम नहीं, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, मुझे आई डोंट रिमेंबर एनीथिंग। इंस्पेक्टर आप याद करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मिनिस्टर साहब का वेलकम भी आपने किया था। क्या कुछ मिनिस्टर साहब ने आपसे ऐसा कहा जिससे आपको गुस्सा आ गया हो? मुझे तो ये तक याद नहीं कि मैं मिनिस्टर साहब से मिला हूं, तो मुझे वेलकम वाली बातें कैसे याद होंगी? लास्ट क्या याद आ रहा है आपको? तो लास्ट मुझे सिर्फ ये याद आ रहा है कि हम बिल्डिंग में कुछ तैयारियां कर रहे थे, उसके बाद जब मैं ऑफिस जाने के लिए निकला थी मुझे श्वेता का फोन आया था, एंड देन आई डोंट रिमेंबर। मुझे पता नहीं कि मेरे पास वो गन कहाँ से आई, मिनिस्टर साहब को मैं कब मिला, मैंने कब गन। देखिए मिस्टर भल्ला आप प्लीज ध्यान लगाइए और याद करने की कोशिश कीजिए, बिकॉज जब तक आप कुछ बताएंगे नहीं तो हम इस केस की तह तक नहीं पहुंच पाएंगे। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, प्लीज रिलैक्स। आई थिंक हमें इन्हें और पुश नहीं करना चाहिए, जस्ट लेट हिम रिलैक्स। मुझे सोना है, प्लीज आराम करो रमन। सिस्टर जब ये उठ जाए तो मुझे इन्फॉर्म कर देना। रमन प्लीज यू रेस्ट, मैं बाहर जा रही हूँ, आप प्लीज रेस्ट करो, आप सो, कुछ मत सोचो अभी, रिलैक्स। सिस्टर मैं बाहर हूँ, प्लीज मुझे बुलाइए, लेट हिम रेस्ट प्लीज। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।